सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, संविधान के भारत में अंधविश्वास पाखंड का धंधा बहुत तेजी से फल फूल रहा है। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें अंधविश्वास फैलाने वाले 5-6 भगत बाबा नहीं रहते हैं। ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां अंधविश्वास पाखंड नहीं फैलाया जाता। बड़ी भयंकर लाइलाज बीमारी होने के बावजूद भी बाबा और भगत ये दावा करते हैं कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, बस आप मेरे यहां आते रहिए, दर्शन करते रहिए, मेरा पानी पीते रहिए, आपका एकदम बीमारी ठीक हो जाएगा। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं, संविधान के 51A में ये वर्णित है, लिखा है कि सरकारें जानबूझकर के अंधविश्वास नहीं फैलाएंगी, किसी तरह का विज्ञानवाद तर्कवाद स्थापित करेंगी और मानववाद को बढ़ावा देंगी। ये संविधान सरकारों को पावर को इजाजत करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार, सभी राज्यों की सरकार मूक बनी बैठी हैं। आजकल कांवड़िए चल रहे हैं, उनके हाथ में शराब है, उनके हाथ में चिलम और गांजा है, उनके हाथ में डंडे हैं, कहीं से भी थोड़ा भी टच हो जाती है कोई कार मोटरसाइकिल तो उस मोटरसाइकिल वाले को, उस कार वाले को मार मार के अधमरा कर देते हैं, पूरी गाड़ी तोड़ देते हैं। बुरी तरह से आतंक फैला हुआ है, बुरी तरह से हुड़दंग फैला हुआ है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि लगभग अभी तक 20-25 गाड़ियां कांवड़ियों ने तोड़ दी हैं। ये इजाजत कौन देता है? मैं मानता हूं ये भारत धर्म निरपेक्ष भारत है, यहां सभी धर्मों को, सभी धर्म के अनुयायियों को अपने अपने हिसाब से आराधना साधना आस्था रखने का संविधान हमें पूरा अधिकार देता है, लेकिन ये इजाजत बिल्कुल नहीं देता कि आप किसी की गाड़ी तोड़ दें और किसी के साथ जान माल का हमला कर दें, इसलिए क्योंकि आपका धर्म खतरे में है। मैं इन चीजों की निंदा करता हूं, विरोध करता हूं और आगाह करता हूं, अगर आप भारत को बचाना चाहते हो, इस मुल्क को बचाना चाहते हो, इस देश को बचाना चाहते हो, तो विज्ञानवादी सोच, मानववादी सोच को विकसित करिए। अंधविश्वास पाखंड को बढ़ावा देने वाले जितने भी षड्यंत्र हैं उन पर रोक लगाई जाए। सरकार में बैठे लोग इस समय मूक बधिर हो गए हैं, आंखों से अंधे हो गए हैं, उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत बुरी तरह से, इतना ही नहीं लगभग भारत में 1000 से ज्यादा चर्च हैं ईसाई धर्म के, उनमें अंधविश्वास पाखंड बुरी तरह से फैलाया जा रहा है। जाने कितने गरीब लोग, बीमार लोग वहां जा रहे हैं, जाने कितने ऐसे बाबा हैं स्वयंभू जिनका कोई गुरु नहीं, कोई उनका आचार विनय नहीं, कोई उनका नियम नहीं, वो अपने मनमानी तरीके से अपना मठ चला रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना करके भारत को बर्बाद करने में लगे हैं। ये भारत वही है जिसमें तक्षशिला, नालंदा, उदनपुरी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बौद्ध शासकों ने बनाए थे और पूरी दुनिया यहां पढ़ने आती थी। मैं बौद्ध धर्म में भी जो अंधविश्वास पाखंड और पाखंडवाद डेवलप हो रहा है उसका भी मैं बहुत बड़ा विरोधी हूं, क्योंकि मैं विज्ञानवाद और मानववाद की सोच रखता हूं और मैं चाहता हूं कि लोग उसी धारा पर चलकर अपने आप को आगे बढ़ाएं और दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दें, ताकि ये भारत फिर सोने की चिड़िया बने। मैं इस माध्यम से राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और सभी भारत के जिंदा लोगों को आगाह करना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं कि जिस तरह से छूट दी जा रही है, अगर ऐसे ही छूट आपने और दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहां मानवता नाम की चीज नहीं बचेगी, सभ्यता नाम की चीज नहीं बचेगी। 8-8 साल के बच्चे गांजा पी रहे हैं, 5-5 साल के बच्चे कांवड़ लेकर के गांजा पी रहे हैं। ये धर्म है, ये धर्म के नाम पर दिखावा है और इसमें जानबूझ करके धर्म की चाशनी में SC ST OBC को धकेला जा रहा है। उन्हें वर्तमान भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें वर्तमान की चिंता नहीं है, भविष्य की चिंता है कि स्वर्ग में हमें कैसे हम पहुंच पाए, कैसे हम जा पाए। इस जुगत में वो लगे हैं जिनका घर अच्छा नहीं है, जिनका मकान अच्छा नहीं है, जिनकी शिक्षा चौपट है, वो स्वर्ग की चिंता करके और अपने आप को बर्बाद करने पर लगे हैं। तो मैं चाहता हूं इन विचारों पर गौर करिए और अमल में लाइए ताकि आपका भविष्य अच्छा हो सके। धन्यवाद।